आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 10। हमने हिंदी में स्पीच भाग स्पीच के गद्य खंड के दो लेसन पढ़े थे, ठीक है दोनों। अब आज पद्य खंड का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है पद और जिसके कवि हैं सूरदास जी, ठीक है। इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है कि जब श्री कृष्ण जी अपने गोकुल को छोड़कर मथुरा आ जाते हैं वापस, तो वो कभी भी वापस मथुरा लौट वहां पर गोकुल लौट करने गए थे, तो वो अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं गोपियों से, गोपियों का व्यवहार देखने के लिए भी कैसी है किस तरह से। तो उसमें गोपियों और जो उद्धव के बीच जो वार्तालाप हुआ उसका वर्णन है। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरनी पात रहत जल भीतर, तारस दहन तागी, ज्यो जल माही तेल की घगरी, पूद न ताको लागी, प्रीति निधि में पाऊ न बारो, दृष्टि रूप अपरागी, सूरदास अबला भोरी, गुरु चाटी ज्यो पागी। ठीक है, तो बड़ भागी उद्धव कौन है? उद्धव जो उनके मित्र का नाम था उसका नाम था उद्धव, ठीक है। और यहाँ पर बड़भागी कौन है? बड़भागी का मतलब है भाग्यवान। बड़भागी का मतलब क्या है? भाग्यवान, ठीक है। और अप्रस माने होता है अछूता, अप्रस माने अछूता, और तगा माने होता है धागा, परंतु यहाँ पर तगा का मतलब क्या दिया गया है? बंधन। और पुरनी पात का मतलब होता है कमल का जो पत्ता होता है, ठीक है। देह माने होती है शरीर, ठीक है, देह माने क्या होती है? शरीर। और पाहु माने होता है पैर, पाहु माने पैर, तेल घगरी, तेल में सनी हुई जो मटकी होती है उसको कहते हैं, ठीक है। प्रीति नदी, प्रिय प्रेम की जो नदी है उसमें, दृष्टि, तो इस प्रकार अब क्या है जो उनके बीच वार्तालाप होता है उसमें जो है गोपियां उद्धव से कहती है, क्या कहती है कि उद्धव, हे उद्धव, गोपी उद्धव की व्यंग्य करते कि तुम सचमुच बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम अभी भी प्रेम के बंधन में, ठीक है, प्रेम के बंधन में पूरी तरह से क्या हो? अनाक्ष हो, ठीक है। प्रेम के बंधन में तुम पूरी तरह से नहीं बंधे हो, जिस प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। पूर्णी पात रहत जल भीतर, रसदह न त्यागी, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है परंतु उसके पानी की एक बूंद भी उसके शरीर पर नहीं पड़ती, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हो परंतु उनके प्रेम के बंधन में तुम नहीं पड़े हो। जय हो जल माही तेल की घाघरी, बूंद ने ताको रागी, जिस प्रकार तेल की सनी हुई घघरी यानी तेल से लगी हुई घघरी पर, मटकी पर, अगर उसे पानी में डूब जाए तो उस पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि पानी उस पर नहीं लगता, उसी प्रकार तुम पर भी उनका प्रेम का असर, श्री कृष्ण के प्रेम का असर नहीं पड़ता। प्रीति नदी में पाऊ ने बारो, दुष्ट दृष्टि रूप परागी, सूर्यदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। तो क्या कहती है गोपियां? कहती है कि तुमने जो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी है उसमें अपने पैरों को डुबोया नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो दृष्टि है, दृष्टि रूप न परागी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि प्रेम उनके श्री कृष्ण की दृष्टि से उलझी नहीं है, ठीक है। परंतु हम सूरदास अबला हम नारी, परंतु हम वो कहती है कि हम जो है गोपियां हैं, हमारी दृष्टि किससे हो गई है? उनसे उलझी हुई है, श्री कृष्ण के प्रेम से उलझी हुई है। जिस प्रकार गुड़ जो चाटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ से चीटी चिपकी हुई रहती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मन की मन में माज रही, कही जाई वे उद्धो, नहीं परत कही अवधि आद आश आवन की, तन मन विद्या सही, अब इन जोग संदेश, ठीक है, आस आवन की तन मन विद्या सही, अब इन जोग संदेश सुनु ब्रही ब्रह दही, चाहती होती गुहारी, जतई ते उत्पे धार वही, सूरदास अवधीर धरी, क्यों मर जादा नय रही, ठीक है। तो मन की मन में माज रही, तो क्या कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि हमारी जो मन की मन में जो बात थी जो हम श्री कृष्ण से कह पाते वो हमारी कहाँ रही? मन के मन में ही रह गई, जो हम प्रेम की बात उनसे करते। कहीं ना जाई उद्धो, नहीं परत कही होगी, हे उद्धव, हमारे मन में जो मन की बात छिपी रही थी वो अभी वही की वही है। आधार श्री कृष्ण के वापस आएंगे हम, इस कष्टों को बातों को नहीं सुनाएंगे, उनके द्वारा त्याग किए हुए पर भी असनी गिरी पीड़ा की कहानी को किसे हम सुनाए, ठीक है। अवधि आधार आसावन की तन में विद्या सही, हमें यह अनुमान था कि हम अपने जो तन और मन की जो विरह की भावनाएं उनको सुनाएंगे, परंतु उनके आने की हम बाढ़ देखते रहे। अब इन जोग संदेशों सुनई सुनई विरही धरई,
परंतु अब उन्होंने हमारे लिए क्या भेज दिया, योग का संदेश भेज दिया है, जो कि सुनने में कैसा लगता है, हमें बहुत उससे जलन होती है। वैसे जलन के लिए दही जो होती है वो शीतलता का प्रतीक है, परंतु यहाँ पर दही को क्या कहा गया है, जलन कहा गया है। योग संदेश रूपी जल की ऐसी प्रबल धारा उन्होंने हमें दी है। चाहती हुदी गुगेरी ते उत्पे दहर वही, ठीक है, श्री कृष्ण हमें बुलाकर क्या करना चाहते हैं, योग साधना करने का संदेश भेजकर हमारे प्राण लेने का कार्य कर रहे हैं। चाहती जुद गुगारी, हम उनसे गुगार लगा रहे हैं, यानी कि उनके पुकार रहे, उत्पे धार वही कि योग के हमारे प्राण लेने का कार्य उन्होंने किया है। धूस सूर्यदास अब धीर दही क्यों मर जाना रहे, सूर्यदास जी कहते हैं कि तुम ही बताओ कि हम धैर्य को धारण कैसे करें, जिन श्री कृष्ण ने हमें अन्य मर्यादा, जिनके लिए हमने अपनी सारी मर्यादाओं का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, तो हम उसके धैर्य को कैसे सहे। हमारे हारिल की लकड़ी मन कर्म वचन धन नंद नंदन उर यह ढर करी पकड़ी, जोगत सोगत स्वप्न दिविस निशी काना काना जकरी, सुनत जोग लागत जोयो करो ककरी, सुसो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, सूर यो तो सूर तिन ही ले सोपो तिनके मन चकरी। तो इसमें क्या कहते हैं श्री कृष्ण, वो कहती हैं यहाँ पर जैसे उसका वर्णन है, हरी, हरी कौन है, श्री कृष्ण। हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है जो कि क्या करता है, एक लकड़ी को अपने पंजों में दबा कर रखता है। नंद नंदन, नंद नंदन कौन है, नंद जी के लाल श्री कृष्ण है, ठीक है। और काना काना यानी कन्हैया कन्हैया, दिवस दिन पूरे दिन, ठीक है। स्वप्न, स्वप्न माने होता है सपना। करु ककड़ी, करु माने कड़वी और ककड़ी माने ककड़ी माने कड़वी ओ ककड़ी। व्याधि माने होता है रोग, व्याधि माने रोग। सुनी रे ककड़ी, सूर्य तनही सब सब चक्री और चक्री माने होता है जिनका मन जो है कैसा होता है, स्थिर नहीं होता, यानी कि एक जगह टिका नहीं रहता। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को करते हुए उद्धव से कहती हैं, हे श्री कृष्ण, हमारा जो मन है उस हरिल हारिल की लकड़ी, उस हरिल लकड़ी के समान बन गया, जिसमें हरिल हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाकर पकड़े रहता है। सदा हम भी श्री कृष्ण का ध्यान हमेशा रखती रहती है। हमने मन कर्म वचन पकड़ी, हमने मन वचन और कर्म से नंद नंदन के श्री कृष्ण को के रूप में अपने यादों को उनके में जकड़ लिया है। जोगत सोबत निशिद जागते सोते और सपने में भी हम क्या क्या जपती हैं, काना काना जपती रहती हैं। सुनते लोग तहावे जो करी, उससे उन्होंने हमारे पीले क्या भेज दिया है, योग का संदेश भेज दिया है, जो कि किसके लिए है, किसके समान है, कड़ू ककड़ी कड़वी ककड़ी के समान है। सूदो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी और उससे प्रसे तुम हमें, ये जो योग है ये हमारे किसके समान है, एक बीमारी के समान है, किसके समान है, रोग के समान है, जो कि कैसा लग रहा है सुनी, जिसके सुनने से हमें ये रोग सा लग गया है। यो तो सुरत नहीं ले से पोजन मंगरी, इसलिए हे उद्धव तुम ये योग का साधना उन लोगों के पास ले जाओ, योग का ये रोग है उन लोगों के पास ले जाओ जिनका मन स्थिर नहीं है, यानी कि जिनका मन एक चक्री के समान है, ठीक है। हरी है राजनीति पढ़ाए सुमजी बात कहत मधुकर, ठीक है। समा गुरु ग्रंथ पढ़ाए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पटाए, उधो भले लोग आगे के फिर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई चलत जो हेतु चुराए, हे ते क्यों अनिति कर आपनु जो अरनुति छुड़ाए, राज धर्म तो ये शुर जो प्रजा ने जाहित जाते ही सताए। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण, कहते मधुकर, मधुकर माने होता है भवरा, मधुकर माने भवरा और पठाए माने भेजा, ठीक है, पठाई माने भेजा। हित माने होता है जो दूसरों का हित करते हैं, जो दूसरों का कल्याण करते हैं। धाय माने होता है जो धाय माने होता है।